भैया बनारस से, वैसे भैया को बनारस से की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि भैया के पास तो वैसे ही बहुत सारा फैक्ट है, फैक्ट की जरूरत तो मुझे है ना। हाय कैसे हो? ओए अभी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा हंसें, ये स्माइलिंग, आपने युद्ध जीता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनी ब्लॉग। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है 11:30 और गाइस अभी मैं नहीं 10 बजे मैं सोकर उठा था, क्योंकि आज संडे है तो आज जिम नहीं है और मम्मी की आज भी तबीयत खराब है, बुखार तो इनका उतरा ही नहीं, बोल रहे कि मेरा बुखार तो उतरा ही नहीं, टैबलेट खाई थी फिर भी देखो बुखार नहीं उतरा इनका। और गाइस आज जिम नहीं है तो मैंने सोचा, मैं हर बार जिम के बाद बनाना शेक पीता था तो मैंने सोचा आज जिम नहीं है तो मैं फिर ऐसे चला जाता हूँ बनाना शेक पीना। दीदी तो सो रही है अपनी, और वादियाँ दिखाता हूँ आप लोग को आज की, वादियाँ यार क्या ही खतरनाक मौसम हो रहा है, बादल देखो गाइस खतरनाक नहीं मस्त मौसम। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार सर्किट हाउस घूम कर आता हूँ मस्त स्कूटी से, मज़ा आ जाए। चलो चलता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ, चलो वो चले नीले गगन को, चलो चले। मम्मी को टैबलेट दे दी है तो अब उनका क्या पता ठीक होता है, अगर नहीं होगा तो अपन और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे जबलपुर तो जा नहीं सकते, जबलपुर जाके दिखा देते, जबलपुर में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, तो पापा तो है नहीं। दादी दादी भी खांस रही हैं। दादी कैसी है तबीयत? ठीक है। लाइट जला मेरे को, तो खांस क्यों रहे हैं? बुखार ठीक है? मम्मी का तो बुखार उतरा ही नहीं, टैबलेट खिलाई थी कल फिर भी नहीं उतरा। कल टैबलेट खा लो बाग में उतर गए। कौन से ऐसे ही टैबलेट तो दी है उनने, डोलो 650। अच्छा डोलो डोलो। अभी हम जा रहे हैं बनाना शेक पीने। कहाँ जा रहे हैं? बनाना शेक पीने। कैसे बनाना? बनाना शेक, बनाना शेक मतलब केले का जूस। केले का जूस? अरे इसको मिट्टी में डाल के वो बना ही देते। मौसम तो मस्त है यार, मज़ा आ गई यार ये मौसम देख के सुबह से, वैसे रोज़ ऐसा ही मौसम है, धूप तो निकल ही नहीं रही है। चलो चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बनाना शेक पीने के लिए। देखो जिम तो अपना बंद है, पूरा जिम बंद है अपना, दिखाएं ये देखो पूरा जिम बंद है हमारा, देखो आज जिम बंद है, गाड़ियाँ नहीं दिख रही, बस वो जो बन रहा है ना वहाँ पे गाड़ियाँ रखी हैं, और यहाँ पे हमारा बनाना शेक ही बन रहा है। ये देखो मस्त बनाना शेक, पीनट बटर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग जय भैया का पीनट बटर, जो हम लोग के जिम वाले ट्रेनर थे ना उनका पीनट बटर यहाँ रखा रहता है, तो उनका जो हम लोग पीनट बटर खाते थे डाल डाल के, और जैसे उनको पता चला उनने मना कर दिया, तो हमारा पीनट बटर भी रखा है, हम सोच रहे कि हम भी अपना यहीं पर रख दें तो हमारा पीनट बटर डाल के खाएँगे। भैया हम सोच रहे हैं कि अपना पीनट बटर ले आएँ, ले आएँ कल ले आएँगे, ठीक है मस्त पीनट बटर हमारा वाला डरेगा, और हमारे साथ भैया भी आ चाहिएगा बनाना से। वैसे भैया को बनाना से की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ। क्योंकि भैया के पास तो वैसे ही बहुत सारा फैट है, फैट की जरूरत तो मुझे है ना। बनाना शेक पीने से तो आपकी बॉडी बनेगी ना? बॉडी नहीं बनती है, फैट बढ़ता है। आप जिम भी कर रहे हो, बनाना शेक भी पीते हो, प्रोटीन मिलता है। और यहाँ पर हम लोग आ चुका है बनाना शेक, मस्त भैया ने बना दिया है। कौन सा है मेरा? वही सब ले लो, वो तो नहीं डाले ना इसमें, गतरी गतरी नहीं डाली। थैंक यू थैंक यू। ये भैया रोज हमारे ब्लॉग देखते हैं, देखते हो? हाँ देखता हूँ, कल ही देखा था तुमने, वो जिससे बाहर बरसात में लड़ाई हो रही थी ना, साड़ होती। अच्छा वो दीदी ने बनाई थी वीडियो छत पे से। तो भाई सब जल्दी से बनाना शेक पीते हैं, फिर बाद में हम लोग जाएंगे सर्किट हाउस घूमने के लिए, मस्त मौसम हो रहा है इसलिए। गाइस हम लोग सर्किट हाउस पे आ चुके हैं, और ये देखिए वादियाँ, भैया कैसी लग रही हैं वादियाँ? हाँ। एक नंबर, मैं देखो कैमरे में दिख रहा हूँ। ये वाव,
गाइस अब हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग ने करी थी पिकनिक, और भैया एक बार भी यहाँ नहीं आया था, तो हमने सोचा चलो इसको ले आते हैं। और वहाँ देखो वो है उसकी माँ और वो है पपी, अभी हम उसको खिला रहे थे तो गौरती ऐसे करने लगी, और अंदर और होंगे चलो देखते हैं। वाह यार क्या मौसम है, एकदम ग्रीन हो गया है जंगल, जहाँ हम लोग आए थे ये होते ना ग्रीन नहीं था, लेकिन अब देखो कितना ग्रीन हो गया है। आपको अंदर से दिखाते हैं पपीज, पपीज का नया घर बना दिया गाइस, ये है देखो पपी। हाय हाय कैसे हो? ओए और देखो ये है, ये अंदर सो रहे हैं, ये थोड़े आलसी हैं और ये थोड़ा मस्ती वाला है। क्यों बारिश होने लगी भैया? इन लोग का देखो पहले वहाँ घर था, अब वहाँ पर हमें कोई पपी नहीं दिख रहा है, बस ये यहाँ पे नया बना दिया है, और यहाँ पे मस्त बरसाती बरसाती चादर लगा दी, इससे बारिश हो रही ना, बारिश का मौसम बहुत तेज होता है, तो इससे भी इसको सेफ्टी रहेगी और यहाँ पर मस्त एकदम घर रहेगा उनका। क्यों जा रहे हैं हम लोग? ओए 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 गिर गया ये तो जा रहा है, चलो चलें। कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहाँ हनुमान जी का मंदिर। गाइस आप लोगों ने देखा क्या नज़ारा है, यहाँ पे हम लोग हर बार क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्त सीन आता है यार एकदम, देखो और वहाँ पे आगे तार लगे इससे कोई आगे ना जाए। तो गाइस बारिश हमें लग रहा है बहुत तेज़ होने वाली है, देखो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पाइप पे आप देख ही रहे होंगी बूंदें। चलें चलो चलते हैं। और गाइस अभी हम लोग आ रहे थे जब ऊपर तो डॉगी पीछे पड़ गया था, पर हम लोग ने गाड़ी स्लो कर ली, क्योंकि अगर गाड़ी स्लो कर लो ना, पहले हम लोग बहुत स्पीड में थे तो डॉगी पीछे पड़ गया था, हमने गाड़ी स्लो कर ली तो चला गया अपने आप। गाड़ी स्लो कर लिया करो जब भी आपके पीछे डॉगी पड़े, चलो चलते हैं फिर से पीछे ना पड़ जाए। गाइस ये है उन पपियों की माँ, और वहाँ पर वो है पता नहीं कौन है, ये खेलने लगा है, देखो कितना प्यारा है पपी खेल रहा है देखो कैसे वो चक रहा है, ये 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 देखो ये। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, बारिश होने वाली है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे हमने आपको ब्लॉग बनाया था एक बार जब चाचू ले गए थे अंदर, ये देखो क्या खर्राटे लेकर सो रही है, वो कैसे लेट गया इनको खेलने देते हैं, जल्दी चलते हैं नहीं तो बारिश से जाएगी तो नाटक हो जाएगा। गाइस घर आ चुके हैं और बारिश तो अपनी शुरू हो चुकी है, एकदम हल्की फुल्की हो रही है, रोडें तो अच्छी मस्त गीली गीली हो गई, थोड़े बहुत गीले हुए थे बाल बस, हमने कहा अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर देखभाल कौन करेगा, मम्मी की तो है ही, दादी की भी है, चाची की भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब सी है, और मेरी भी हो जाएगी तो फिर देखभाल कौन करेगा। दीदी तो कुछ नहीं करती, सोती रहती है पूरे टाइम, है ना भैया? और नहीं वो चिल्ला रही है अंदर से, सो रही है, तो लाइट क्यों जल रही है यार, रात को लाइटें जलाते ना, ऐसे अंधेरा नहीं रखना चाहिए घर में। गाइस मेरे लिए मतलब पापा है ना, उनने मेरे लिए कुछ वीडियोस भेजी थी बब्बा जी की, तो चलो मैं आप लोग को डाल के दिखाता हूँ कि कैसा उनका वहाँ पे हाल है। बाप रे गाइस, उनके पता है सीना ऐसा काटा गया था ऑपरेशन में, क्योंकि नसें लगानी थी ना, और हाथ और पैर में, क्योंकि पैरों की नसें निकाल के हाथ वहाँ लगाई हार्ट में, और हाथों की नसें निकाल के, तो गाइस वो कटे में मतलब टाँके डाले हैं, लेकिन ऐसे में चल रहे थे गाइस, कितना दर्द हो रहा होगा उनको, तो आप लोग वीडियो में देखना। वो लोग पापा जी लेटे हुए हैं, थोड़ी देर बाद में ओटी में शिफ्ट करने के लिए, सफल ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। आप सभी दुआ करें प्रभु कृपा से जल्दी से ऑपरेशन हो के पिताजी घर आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्य।
यहाँ देखिए। हाँ सर, बस चार दिन बाद दमोबरी कर जाएंगे पिताजी, 12 तारीख को यहाँ से घर के ऊपर अपने वालों के बीच में, अपने परिवार के बीच में पहुँच जाएंगे। कल खाना भी खाया हुआ था? कल खाना भी खाया था, अब रिलैक्स बैठे हैं आराम से। 13 तारीख को आप सभी के बीच में लखनलाल शर्मा जी चैंपियन उपस्थित होंगे। अभी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ, थोड़ा हंसें, ये स्माइलिंग। आपने युद्ध जीता है, इतनी बेहतरीन तरीके से आप योद्धा हो, ये स्टाइल थोड़ी सी बाकी बढ़िया है। हो गजब, ये बढ़िया था गुरु। शानदार, ठीक है। हाँ तो शर्मा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप ऑपरेशन के बाद? ये ऐस चल रहा है शर्मा जी के यहाँ पे, बिल्कुल ऐस करते हुए, पानी पीते हुए जी। थोड़ा मुस्कुराएंगे थोड़ा। हाँ सही है, सही है। अभी जल्दी से घर आने वाले हैं। बस तो गाइस, देखा आप लोग ने मेरे बब्बा जी कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उनको इतनी तकलीफ हुई थी लेकिन फिर भी दो स्माइल ले रहे हैं और चल के खुद जा रहे हैं। और अभी डॉक्टर उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पापा कह रहे थे कि 13 तारीख को डॉक्टर ने कहा है कि आप अपना वो रिजर्वेशन करवा लीजिए, तो 12 तारीख को निकलेंगे तो 13 तारीख तक पहुँच जाएंगे। अभी वो उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मतलब अभी वीडियो कॉल में उन्होंने बताया था कि वो मुँह से बलून फुलवाते हैं सांस लेने के लिए, मतलब वो प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन हुआ ना तो उनमें उनको सांस लेने दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।